नमस्ते दोस्तों, VIN IAS के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। हमारा आज का चर्चा का विषय है शासकीय पत्र, जो कि MPPSC के प्रश्न पत्र 5 के सामान्य हिंदी खंड से जुड़ा हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने प्रपत्र एवं प्रारूप लेखन पर चर्चा की थी। दोस्तों, ये प्रारूप लेखन का ही भाग है। आइए जानते हैं क्या है शासकीय पत्र और कैसे बनाया जाता है इसका मसौदा। दोस्तों, शासकीय पत्र किसी भी कार्यालय में या किसी ऑफिस में लिखा जाने वाला कार्यालयीन प्रारूप है, अर्थात इसको कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं। इससे MPPSC में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, शासकीय पत्र की परिभाषा, इसकी विशेषता पर प्रश्न बन सकता है, इसकी विषय वस्तु पर प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा यहाँ से एक 15 मार्क्स का प्रश्न भी बन सकता है, जो कि इसका मसौदा तैयार करने पर आ सकता है। इस प्रकार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, शासकीय पत्र पूर्णतः औपचारिक होते हैं और एक निश्चित ढांचे में ही लिखे जाते हैं। साथ ही ये अन्य पुरुष में होते हैं और इनमें कुछ पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता को जानते हैं। वे पत्र जो एक शासकीय कार्यालय से दूसरे कार्यालय को किसी शासकीय काम के लिए लिखा जाता है, शासकीय पत्र कहलाता है। अर्थात एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाने वाला पत्र ही शासकीय पत्र कहलाता है। इसकी विशेषता देखते हैं। शासकीय पत्र पूर्णतः औपचारिक होते हैं, बिल्कुल फॉर्मल होते हैं। शासकीय पत्र एक निश्चित ढांचे में होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, आप समझ जाएंगे इससे कि हाँ, इनका एक निश्चित ढांचा होता है। शासकीय पत्र अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। देख, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष वह शब्द जो वक्ता स्वयं के बदले में प्रयोग लाता है, वे होते हैं जैसे कि मैं और हम। मध्यम पुरुष वह शब्द जो वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग में लाता है, तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, जैसे कि तुम, तू, आप आदि। अन्य पुरुष वाचक वह शब्द जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे, जैसे वह, यह, ये, वे आदि। तो ये ही शब्द यहाँ पर अन्य पुरुष में प्रयुक्त किए जाएंगे। चूंकि यह पत्र औपचारिक है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का धन्यवाद, कृपा करें, प्रार्थना आदि व प्रार्थी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही औपचारिक पत्र होने के कारण इसमें पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है, वो पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे कि संबोधन में पारिभाषिक शब्द महोदय और प्रेषककर्ता स्वयं के लिए पारिभाषिक शब्द बहुधी का प्रयोग करता, तो इनका अर्थ प्रत्येक स्थान पर समान ही निकलेगा, यही पारिभाषिक शब्द है। शासकीय पत्र एक निर्धारित ढांचे में लिखा जाता है, अर्थात वो ढांचा किस प्रकार का है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसी ढांचे के तहत एग्जाम में प्रश्न बनता है और किसी विषय पर शासकीय पत्र लिखने को दे दिया जाता है और इसी प्रकार से उसको तैयार करना होगा। दोस्तों, शासकीय पत्र के लिए सबसे पहले पृष्ठ के मध्य में सबसे ऊपर शासकीय संस्थान का नाम लिखा जाता है, यानी जो पत्र जहाँ से लिखा जाता है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे हमने शासकीय महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश सबसे ऊपर लिखा है। साथ ही अगर शासकीय कार्यालय का नाम या कार्यालय का नाम सबसे अगर बड़ा है वो, तो उसे 2 पंक्ति में भी हम लोग लिख सकते हैं, किंतु मध्य में ही लिखेंगे और एक व्यवस्थित क्रम में ही होना चाहिए। इसी प्रकार ये मध्य में ही होना चाहिए। शासकीय पत्र लिखने के बाद हाशिए की तरफ बाईं ओर क्रमांक, प्रशासनिक कार्यालय का नाम आदि लिखा जाता है। साथ ही विभाग का नाम, उपविभाग का नाम या फाइल या जावक संख्या आदि भी लिखी जाती है। ये जावक संख्या है। उसी पंक्ति में दाईं ओर दिनांक लिखा जाता है, दिनांक की चर्चा की जाती है। दिनांक लिखने के बाद अगली पंक्ति में प्रति या प्रेषक शब्द लिखा जाता है, अर्थात प्रेषित शब्द भी लिख सकते हैं। प्रेषित के बाद कॉमा जरूर लगाया जाता है, यानी कि अल्प विराम चिन्ह जरूर लगाया जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति में
प्रति की अगली पंक्ति की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि क्रमांक के ठीक नीचे जो प्रति शब्द आपने लिखा है उसके बाद अगली पंक्ति में अधिकारी के पद का नाम लिखेंगे। याद रखना, अधिकारी का नाम नहीं लिखेंगे, अधिकारी के पद का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कुल सचिव, ये अधिकारी के पद का नाम है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में कार्यालय का नाम और तीसरी पंक्ति में उस शहर का नाम लिखा जाता है। हर पंक्ति के बाद अल्प विराम चिन्ह लगता है और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगली पंक्ति में हाशिए से बाईं ओर कुछ दूरी पर, या वहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हाशिए के तुरंत बाद से शुरू कर सकते हैं, विषय शब्द लिखा जाता है। विषय शब्द में जिस पत्र पत्र की विषय वस्तु से संबंधित अति संक्षेप में जानकारी दी जाती है। विषय लिखने के बाद अगली पंक्ति में देखिए, अगर विषय अगर थोड़ा लंबा है या विषय उस पंक्ति में नहीं आ रहा तो अगली पंक्ति में विषय शब्द लिखा जाएगा। जैसे कि विषय शब्द अगर एक पंक्ति में नहीं आता है तो दूसरी पंक्ति में उसी विषय की जो विषय वस्तु है उसके नीचे ही लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर विषय परीक्षा फॉर्म संबंधी लिखा जा रहा, अगर ये लंबा होता तो आप यहाँ से शुरू करते ना कि यहाँ से शुरू करते, समझ गए होंगे। विषय की समाप्ति के बाद संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में दो बातें महत्वपूर्ण होती है, या तो किसी पत्र का हम जवाब दे रहे होते हैं उसका क्रमांक और दिनांक का उल्लेख किया जाता है, या रिमाइंडर वाला प्रारूप, जैसे कि अनुस्मारक में किसी बात को याद दिलाने के लिए या किसी कार्यवाही को याद दिलाने के लिए जो कार्यवाही की जाती है उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, वहां पर उसका क्रमांक और दिनांक आदि का उल्लेख किया जाता है। ये जब हम अनुस्मारक पढ़ेंगे तब तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगली पंक्ति में महोदय शब्द लिखा जाएगा। महोदय एक पारिभाषिक शब्द है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। महोदय लिखने के बाद अगली पंक्ति में एक विषय वस्तु लिखी जाएगी जो कि पूर्णतः अन्य पुरुष में होगी, पूर्णतः औपचारिक होगी। विषय वस्तु के तहत मुख्य बिंदु का उल्लेख करेंगे, हम अनावश्यक विस्तार करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ ही एक अनुच्छेद में होगी, दो अनुच्छेद में भी हो सकती है, लेकिन दूसरा अनुच्छेद जो होगा वो एक कॉन्क्लूड टाइप का होगा, बहुत छोटा होगा। क्योंकि यह एक औपचारिक पत्र है इसलिए इसमें भी धन्यवाद, कृपा करें, कष्ट करें आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, वाक्य सरल और स्पष्ट ही रखेंगे यहाँ पर भी। और कोई भी वाक्य रचना द्विअर्थी यानी कि दो अर्थ देने वाले नहीं होंगे। शासकीय पत्र को पारिभाषिक शब्द का प्रयोग में ही बनाया जाएगा। सामान्यतः इसकी विषय वस्तु यह सूचित किया जाता है या आदेश दिया जाता है आदि से शुरू होगी। अंत में आपने देखा होगा कि यहाँ हाशिए के पास में संलग्न लिखा जा रहा है। संलग्न का अर्थ है कि इसमें संलग्न बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। संलग्न विषय वस्तु की समाप्ति के बाद हाशिए के पास लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हाशिए के पास में ही लिखा गया है। संलग्न के अंतर्गत पत्र के साथ भेजे जाने वाले समस्त डॉक्यूमेंट जो कागजात होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है। याद रखना, इसके बाद इसकी सिद्ध में दाईं ओर ना लिखते हुए उससे कुछ नीचे भौदी शब्द लिखा जाता है। भौदी के अंतर्गत हस्ताक्षर दिनांक और अधिकारी जो प्रेषक है उसके अधिकारी का पद का नाम, याद रखना यहाँ पर पद का नाम आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर क ख घ प्रयुक्त किया है। उसके बाद प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश आदि का उल्लेख किया गया था। ठीक है, इस प्रकार ये पत्र शासकीय पत्र का प्रारूप तैयार किया जाता है। दोस्तों, शासकीय पत्र लिखने की जो विधि होगी इसको हम थोड़ा विस्तृत तरीके से देख लेते हैं। शासकीय पत्र सबसे प्रचलित प्रणाली है जो एक निश्चित निर्धारित ढांचे में होती है। इसके निम्न बिंदु इस प्रकार होंगे। कार्यालय का नाम, पृष्ठ के मध्य में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है। यह एक व्यवस्थित रूप में होता है। यदि कार्यालय का नाम बड़ा है तो दो तीन पंक्तियों में लिखा जाएगा, किंतु मध्य में ही होना चाहिए और व्यवस्थित ही होना चाहिए। क्रमांक, कार्यालय के नाम के बाद अगली पंक्ति में हाशिए के पास क्रमांक शब्द लिखा जाता है। क्रमांक के अंतर्गत विभाग का नाम, उप विभाग का नाम, फाइल का नाम, फाइल का पत्र क्रमांक और जावक संख्या आदि का उल्लेख किया जाता है। जावक संख्या जो होती है वो हस्तलिखित होती है। यदि पत्र सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय मंत्रालय से प्राप्त होता है तो उसमें क्रमांक में अनेक बिंदु हो सकते हैं, जैसे विज्ञापन नंबर, धारा, वर्ष आदि का उल्लेख भी किया जाएगा। क्रमांक का महत्व क्या होता है? क्रमांक के द्वारा पत्र कब भेजा गया, कब आया, किसने प्राप्त किया और किसके पास कार्यवाही के लिए लंबित है की जानकारी मिलती है। क्रमांक में प्रत्येक बिंदु के मध्य तिर्यक रेखा खींची जाती है जो हमने अभी देखी है, जो भिन्न भिन्न बिंदु का होना बताती है।
क्रमांक में जावक संख्या को छोड़कर शेष बिंदु टंकित होते हैं यानी कि प्रिंटेड होते हैं। जावक संख्या हमेशा हस्तलिखित हैंड रिटेड होती है। दिनांक की बात करते हैं, क्रमांक के बाद दिनांक लिखा जाता है उसी पंक्ति में दाईं ओर। क्रमांक की सिर में दाहिनी ओर दिनांक लिखी जाती है। यदि यह टंकित दिनांक से अलग हटकर दूसरे दिन भेजा जाता है तो जावक लिखित टंकित दिनांक को काटता नहीं है अपितु तो टंकित दिनांक के नीचे ही एक रेखा खींचकर जावक वाले दिन की दिनांक डालेगा। प्रेषित प्रति यानी कि जो पत्र को भेज रहा है उसका उल्लेख करते हैं इसमें, यानी कि प्रेषक का उल्लेख करते हैं। पत्र किसको भेजा जा रहा है, क्रमांक के ठीक नीचे प्रति शब्द लिखा जाता है। प्रति के अंतर्गत तीन पंक्तियां होती है। पहली पंक्ति में अधिकारी के पद का नाम मतलब कि जिसको पत्र भेज रहे हैं, दूसरी पंक्ति में कार्यालय का नाम, तीसरी पंक्ति में शहर का नाम। हर पंक्ति के बाद अल्प विराम चिन्ह लगता है। जैसे कि पहली पंक्ति में हमने अधिकारी के पद का नाम लिखा यानी कि यहाँ पर सचिव, दूसरी पंक्ति में कार्यालय का नाम यानी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तीसरी पंक्ति में शहर का नाम यानी कि इंदौर। हर पंक्ति के बाद अल्प विराम चिन्ह लगता है। आगे हम लिखेंगे विषय। जहां प्रति समाप्त होती है या प्रेषक शब्द समाप्त होता है उसके ठीक नीचे विषय शब्द लिखा जाता है। विषय के अंतर्गत पत्र के विषय वस्तु से संबंधित अति संक्षेप में जानकारी दी जाती है। इसमें सामान्यतः संबंधी, बाबत, हेतु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कारणवश एक पंक्ति में नहीं आता है तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ठीक नीचे से शुरू होती है, अर्थात विषय शब्द के नीचे कुछ नहीं लिखा जाता है। संदर्भ, विषय के ठीक नीचे संदर्भ लिखा जाएगा। संदर्भ में दो परिस्थितियां हो सकती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। यदि किसी पत्र का जवाब दे रहे हो तो उस पत्र के क्रमांक दिनांक का उल्लेख किया जाता है। जब दूसरी स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति होगी, दूसरी स्थिति क्या होगी, जब पूर्व में भेजे गए किसी पत्र का जवाब नहीं आता है या उसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुस्मारक जैसे प्रारूप में संदर्भ के अंतर्गत पूर्व में भेजे गए क्रमांक और दिनांक का उल्लेख होता है। दोस्तों अनुस्मारक हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। संबोधन की बात करते हैं। संबोधन शासकीय पत्र चूंकि औपचारिक होते हैं इसलिए संबोधन में औपचारिक शब्द या पारिभाषिक शब्द भी है। महोदय जिसका प्रत्येक स्थान पर समान अर्थ निकलता है, औपचारिक शब्द महोदय लिखा जाता है। संबोधन प्रति की सिद्ध में हाशिए के पास लिखा जाएगा। इस संदर्भ के बाद अगली पंक्ति में लिखा जाएगा या संदर्भ के बाद अगली पंक्ति में लिखा जाएगा। संबोधन शब्द के आगे अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। संबोधन के बाद एक विषय वस्तु आती है। संबोधन के बाद एक अनुच्छेद में विषय संबंधित विवरण दिया जाता है। विषय वस्तु में निम्न बातें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? विषय वस्तु निम्न बिंदुओं से संबंधित हो, अनावश्यक विस्तार ना हो। अन्य पुरुष में लिखा जाए, बिल्कुल मैं आपको समझा चुका हूँ ये अन्य पुरुष में क्या होगा। एक अनुच्छेद ही विषय से संबंधित हो। क्योंकि ये पत्र पूर्णतः औपचारिक है यानी कि फॉर्मल है इसलिए धन्यवाद, कृपया करें, कष्ट के लिए, क्षमा प्रार्थी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वाक्य सरल व स्पष्ट हो, कोई भी वाक्य रचना द्विअर्थी ना हो और किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो। शासकीय पत्र में पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः शासकीय पत्र का प्रारंभ यह स्पष्ट है, यह सूचित किया जाता है, यह आदेश दिया जाता है आदि वाक्यों से शुरू होता है। संलग्न, संलग्न यानी इसमें जो डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे उनकी बात की जाएगी। ऐसे पत्र जिनके साथ कुछ कागजात भेजे जाते हैं इसमें संलग्न बिंदु का प्रयोग होता है। संलग्न शब्द विषय वस्तु की समाप्ति के बाद हाशिए के पास लिखा जाता है। संलग्न के अंतर्गत पत्र के साथ भेजे जाने वाले समस्त कागजातों का उल्लेख होता है। संलग्न शब्द विषय वस्तु और बहुधी के मध्य में होना चाहिए। प्रेषक यानी कि जो पत्र जिसको पत्र भेजा जा रहा है, भेजने वाला, विषय समाप्ति के बाद प्रेषक कर्ता जो पत्र भेज रहा है यानी प्रेषक कर्ता भेजने वाला, विषय समाप्ति के बाद प्रेषक कर्ता स्वयं के लिए यानी कि जो सेंडर है वो प्रेषककर्ता स्वयं के लिए बहुधी शब्द का प्रयोग करेगा। बहुधी शब्द औपचारिक होगा मतलब एकदम फॉर्मल होगा। यह शब्द दिनांक की स्थिति में विषय वस्तु की समाप्ति के बाद थोड़ा स्थान छोड़ के लिखा जाएगा। ठीक है, बहुधी के नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर होगी। मोहर में चार बिंदु होंगे, अधिकारी का नाम, अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम, शहर का नाम। जैसे कि मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि अधिकारी के पद का नाम यानी कि का खा का कुछ भी हो सकता है। भावधि के अंतर्गत हस्ताक्षर दिनांक और उसका जैसे प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश,
इन बातों का उल्लेख किया जाएगा। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि क्या होता है? यदि शासकीय पत्र से संबंधित उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को भेजना हो तो भौदी के बाद हाशिए की तरफ प्रतिलिपि लिपि शब्द लिखा जाएगा, जो कि प्रष्टांकन प्रारूप में होगा। पिछले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए प्रारूप लेखन, वहाँ मैंने इसको समझाया है कि क्या होता है प्रष्टांकन। बाकी आगे हम इसको डिटेल में एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रष्टांकन क्या होता है, इसका प्रारूप कैसे बनाया जाता है। प्रष्टांकन यानी कि जो उसका मुख्य पृष्ठ होता है किसी भी पत्र का, उसको अन्य व्यक्तियों को भी भेजा जाता है। जैसे कि COVID-19 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट से जो आदेश दिया जाता है वो SDM कार्यालय को भी भेजा जाएगा, साथ में तहसील कार्यालय को भेजा जाएगा या अन्य संबंधित कार्यालय को भी भेजा जाएगा, तो वो प्रष्टांकन के प्रारूप में ही भेजा जाएगा। दोस्तों, व्यवहारिक रूप से शासकीय पत्र के ढांचे में निम्न परिवर्तन देखा गया है वर्तमान में, यानी कि जो पहले लिखा जाता था और वर्तमान में लिखे जाते हैं। ऐसे तकनीकी दृष्टि से विकसित कार्यालय जहाँ अनेक सुविधाएं जैसे कि कंप्यूटर वगैरह हो, वहाँ कार्यालय का नाम लिखित रहता है। प्रेषक का पता पृष्ठ के सबसे ऊपर दाहिनी ओर दूरभाष आदि सहित लिखित रहता है। दिनांक पूर्व कार्यालय के नगर का नाम टंकित यानी कि प्रिंटेड होता है। इस तरीके से शासकीय पत्र का मसौदा तैयार होता है। ये पुराना शासकीय पत्र है जो पहले लिखा जाता था, वर्तमान में भी लिखा जाता है इस तरीके से, लेकिन अब शासकीय पत्र में बहुत कुछ अंतर भी देखा गया है। यानी कि शासकीय पत्र कंप्यूटर से लिखा जाता है तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्रमांक के अंतर्गत सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद क्रमांक के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है प्रशासनिक ब्लॉक जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय पुराना परिसर नई दिल्ली, दूरभाष 2617550 एम फैक्स 2610418 3, और यहाँ पर दिनांक। जैसे कि हमने पिछले प्रारूप में देखा था कि क्रमांक के अंतर्गत दाहिनी बाईनी ओर लिखा जा रहा था, लेकिन इसमें दाहिनी ओर लिखा जा रहा है। इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाया जाएगा, बाकी सब कुछ समान ही होगा। सेम यहाँ पे भी विषय इसी प्रकार से लिखा जाएगा, महोदय भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, और एक विषय वस्तु का पूरा तरीके से उल्लेख होगा, और उसके बाद भौदी हस्ताक्षर, अधिकारी के पद का नाम, अधिकारी का नाम और उससे संबंधित हस्ताक्षर आदि का उल्लेख भी इसी प्रकार से किया जाएगा। इस प्रकार से शासकीय पत्र का मसौदा तैयार किया जाता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से आपका पुराना और नया प्रारूप दोनों तैयार होते हैं। दोस्तों, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम अर्धशासकीय पत्र का मसौदा, साथ में शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर को जानेंगे। दोस्तों, बिन IAS की टीम आपके लिए पूरी तरह समर्पित व प्रतिबद्ध है, इसलिए आपका भी कर्तव्य है कि आप भी अपनी कोशिश जारी रखें। ये आपके लिए, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।